Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about another figure of speech, that is metonymy. So let's start. Rather using a name, use an attribute. कि मतलब किसी चीज़ का जो है पूरा नाम ना लेकर उससे कुछ मिलता जुलता लिख देना, यानी एट्रीब्यूट लिख देना, मतलब उससे क्लोजली जो लिंक करता हो वो चीज़ बता देना, उसे मेटोनिमी बोला जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मतलब रैदर यूजिंग अ नेम, कि किसी चीज़ का जो है डायरेक्टली नाम ना लेकर उसकी बजाय उससे कुछ मिलता जुलता लिख देना जो कि उससे क्लोजली लिंक करता हो या फिर एसोशिएट करता हो, उसे हम मेटोनिमी बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू समथिंग और समवन बाई नेमिंग वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, कि किसी चीज़ के बारे में बताना, कि मतलब इट रेफर्स टू समथिंग और समवन बाई नेमिंग वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, कि सिर्फ उसका मतलब नाम ना बता के उसके एट्रीब्यूट को नेम कर देना। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन रिप्लेस नेम ऑफ अ थिंग, कि मतलब किसी चीज़ का जो है नाम को रिप्लेस करके उस नाम की बजाय उससे कुछ मिलता जुलता, यानी जो उससे क्लोजली एसोशिएट करता हो वो लिख देना, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज मेटोनिमी। देन जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, आप सबसे अच्छा मेटोनिमी का एग्जाम्पल है जो कि हम सुनते आ रहे हैं, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि पेन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ थॉट, कि आप देख सकते हो कि पेन किसका सिंबल है, किसी विचार का, यानी थॉट का सिंबल है जिससे हम लिख सकते हैं अच्छे विचार। और स्वॉर्ड जो है वो किस चीज़ का एट्रीब्यूट है, वो वॉयलेंस का या फिर मिलिट्री एक्शन का जो है एट्रीब्यूट है। आप देख सकते हो कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन जो है मतलब पेन से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे विचार जो है प्रोड्यूस करके जो है लड़ाई को समाप्त कर सकते हैं, और उसके बजाय स्वॉर्ड जो है वो वॉयलेंस का सिंबल है जिससे लड़ाई हो, मतलब जिससे लड़ाई की जा सकती है। सो पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ थॉट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट डाउन, वाइल स्वॉर्ड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एक्टिंग विद वॉयलेंस और मिलिट्री एक्शन, कि मतलब पेन जो है एक पैसिव सिंबल है, वहीं स्वॉर्ड जो है वो वॉयलेंस का सिंबल है। देन रेदर देन नेमिंग पीपल नेमिंग एट्रीब्यूट, कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से नाम ना लेकर किसी एट्रीब्यूट उसकी जगह मतलब कुछ एट्रीब्यूट लिख देना जो कि उसी से जो है क्लोजली लिंक करते हो, विच इज़ अटैच टू द पीपल। देन जैसे फ्रेंड्स जूलियस सीजर का अगर आपने मतलब CBSE में जो है जूलियस सीजर का 9th या फिर 10th में प्ले है, सो उसमें से मैं एक लाइन कोट करती हूँ आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि मेटोनिमी एक्चुअली में होती क्या है। सो जैसे जूलियस सीजर प्ले के अंदर मार्क एंथनी एक करेक्टर है जो कि सभी को बताते हैं, फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स क्या मतलब ईयर्स किस सेंस में लिखा गया है, कि वो मार्क एंथनी पूरी मतलब वहाँ की मतलब रोम की पूरी जनता यानी पब्लिक को कह रहा है कि सब मेरी तरफ अटेंशन दो। ईयर्स का मतलब है मतलब अटेंशन की सेंस में लिखा गया है ये वाला ईयर्स। सो जूलियस सीजर मार्क एंथनी सेज फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, सो यहाँ पे जो ईयर्स यूज़ किया गया है वो यहाँ पे अटेंशन देने की सेंस में लिखा गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेटोनिमी और साइनेक्डिकी कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। सो मेटोनिमी को मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, बट साइनेक्डिकी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो है व्हेन यू यूज़ पार्ट इंस्टेड ऑफ होल, कि आप जो है पूरी चीज़ ना बताकर सिर्फ आधी चीज़ बताओ और बाकी आधी जो है रीडर्स पर छोड़ दो, दैट इज़ कॉल्ड एज साइनेक्डिकी। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि साइनेक्डिकी में क्या होता है, कि व्हेन यू यूज़ पार्ट, कि सिर्फ जो है आप किसी पूरी चीज़ को ना बता के सिर्फ और सिर्फ आधी चीज़ बताते हो, उसे साइनेक्डिकी बोला जाता है, साइनेक्डिकी। देन अब मैं आपको बताऊंगी एंटोनोमेशिया क्या होता है, व्हेन टाइटल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम और व्हेन अ प्रॉपर नेम इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ टाइटल, कि मतलब जहाँ पर व्हेन टाइटल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम, कि प्रॉपर नेम की जगह
सिर्फ और सिर्फ टाइटल लगाते हैं, सो उसे बोला जाता है एंटोनोमेशिया। और जहाँ पर व्हेन अ प्रॉपर नेम इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ टाइटल, कि जहाँ पर प्रॉपर नेम यूज़ किया जाता है टाइटल की जगह पर, उसे भी एंटोनोमेशिया बोला जाता है। व्हेन टाइटल इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ, कि मतलब कि जैसे हम CA बताते हैं, CA this, सो ये क्या है, हम जो है टाइटल यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर नाम ना लेकर हम CA, मिस्टर CA ऐसे कुछ बात करते हैं, सो ये क्या है, एंटोनोमेशिया है। जैसे मैं, अगर कोई किंग है और वो अपनी मतलब कंट्री में जो है अच्छी तरह से रूल कर रहा है, सो मैं उस किंग को क्या बोलूँगी, ये बिल्कुल किंग सोलोमन की तरह था, जिस तरह से किंग सोलोमन वाइस रूलर हुआ करते थे, उसी तरह मैं उस किंग को जो है किंग सोलोमन से कंपेयर कर दूंगी, कि ही इज़ लाइक किंग सोलोमन। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटोनोमेशिया। देन शेक्सपियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बार्ड का यूज़ करते हैं, शेक्सपियर के लिए हम बार्ड का यूज़ करते हैं। शेक्सपियर कभी अगर हम ना लिखें तो उसके मतलब जगह पर हम बार्ड लिख देंगे, तो हमें मतलब हम एसोशिएट कर सकते हैं कि ये जो है शेक्सपियर के लिए लिखा गया है। और जैसे हम मतलब जज ना यूज़ करके हम ये बोलें योर ऑनर, जज ना बोल के योर ऑनर बोलें, सो ये भी जो है एंटोनोमेशिया का एग्जांपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन टाइटल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम, कि प्रॉपर नाम ना लिखकर हम टाइटल का यूज़ करते हैं, इसे एंटोनोमेशिया बोला जाता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें। एंड फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे जो है फिगर ऑफ स्पीच पर लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।